सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत ने कौमी असम्बली में दो तिहाई अक्सरियत खो दी। तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई। 23 नशस्तें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 114 हो जाएगी। हुकूमत के मुश्तमिल इत्तेहाद को तब तक बरतरी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला, पार्लियामेंट का नंबर गेम बदल गया। 23 मखसूस नशस्तें पीटीआई को मिल गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई। 23 नशस्तें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 114 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के 210 अरकान पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें मिलने से अपोजिशन इत्तेहाद का नंबर 125 हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद की 209 नशस्तों में से मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108, पीपल्स पार्टी की 68, MQM के 21 अरकान हैं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUIF को 3 इजाफी नशस्तें मिली थीं। अपोजिशन इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मैप, MWM, JUI और BNP शामिल हैं। हुकूमत इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी, MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया, IPP और नेशनल पार्टी शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।